हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो वर्क पावर एनर्जी है, जो हमारा क्लास 9 का फिजिकल साइंस का चैप्टर था, कार्य शक्ति और ऊर्जा। उस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर रखा है और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको अच्छे से और उस चैप्टर से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उससे भी रिलेटेड यदि न्यूमेरिकल्स होता है, कुछ ऐसे आंकड़े प्रश्न होते हैं जिसको बच्चे वहाँ पर घबराते हैं, तो उन आंकड़े प्रश्नों को मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और आई होप सो कि मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको जो जितना भी जो प्रॉब्लम होता होगा वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड, जब आंकड़े प्रश्न पे आते हैं, चाहे फॉर्मूला को समझने में परेशानी होती है, वो ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ आंकड़े प्रश्न है और कुछ ऐसे कंडीशन जब वर्क पावर एनर्जी से जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। 7 न्यूटन का एक बल लगाया जा रहा है किसी वस्तु पर, दस डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर और विस्थापन कितना हुआ, 8 मीटर का विस्थापन हुआ। किस दिशा में हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उसी दिशा में 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो गया। तो व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस, तो क्या हुआ वर्क डन, क्या हुआ यानी कार्य क्या हुआ, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, देखिए यहाँ पर कोई 7 न्यूटन का वर्क लगाया जा रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को माना, यहाँ पर 7 न्यूटन का वर्क लगाया जा रहा है, ठीक है। ये वस्तु कहाँ डिस्प्लेस कर गई, 8 मीटर कर गई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका मतलब वर्क डन हुआ, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुना विस्थापन, ठीक है। इतनी शुद्ध हिंदी है आपके बुक में कि कभी कभी मुझे भी परेशानी होती है समझने में, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि एफ इंटू एस, ठीक है। यहाँ फोर्स है हमारे पास 7 न्यूटन, इकाई भी साथ साथ में लिखना है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हुआ है यानी कि एस 8 मीटर, तो यहाँ इस फॉर्मूला को पुट करिए और आसानी से निकल गया, बस क्वेश्चन समझने की देरी होती है, ठीक है। तो ये 56 J या फिर 56 जूल्स, इसकी इकाई क्या होती है, जब जे लिखेंगे तो कैपिटल जे लिखेंगे, जूल्स लिखेंगे तो पूरा जूल्स लिखेंगे, ठीक है, इसी में मार्क्स कट होते हैं। तो ये आंसर हुआ। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में वर्क डन इज इक्वल टू वर्क 56 जूल, जो इतना काम, इतना वर्क डन यानी इतना कार्य हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेयर ऑफ बोलक एग्जर्ट्स ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लग। एक जमीन की खुदाई जुताई हो रही है, जुताई आप लोगों ने देखा है ना कि जब बैल जब जुताई करते हैं तो एक फील्ड पे बैल जुताई कर रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, 140 न्यूटन का फोर्स वो लगा रहा है, यानी बल कितना लगा रहा है, 140 न्यूटन का बल लगा रहा है। द फील्ड बींग प्लग्ड इज 15 मीटर लॉन्ग, जो फील्ड का जो इतना 15 मीटर लंबाई में उसने जुताई कर दिया, तो हाउ मच वर्क इज डन इन प्लगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, तो कितना वर्क डन हुआ, कितना कार्य हुआ उस जब उस लंबाई में, उस फील्ड की लंबाई में जो कितना कार्य हुआ, ठीक है, जो 15 मीटर का लंबाई में जो कार्य जुताई हुई तो इतना फोर्स लगा के कितना कार्य हुआ। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या, सेम कंडीशन दूसरा नंबर का देखते हैं कि वर्क निकालना है, हमारे पास फोर्स दिया हुआ है 140 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 15 मीटर, यानी कि यहाँ एस इज इक्वल टू 15 मीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, हेयर एफ इज अ फोर्स, एस इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो एफ है 140 और एस है 15, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आई थिंक कितना आएगा जे, ठीक है। तो वर्क डन इन प्लगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड इज इतना जूल्स, इतना जूल्स लगा है,
यानी कितना काम कार्य हुआ, इतना जूल्स का कार्य हुआ। और भी हम लोग ये वर्क डन से हुआ, और हम लोग पावर एंड एनर्जी से भी देख लेते हैं, जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स पावर। एक लैम्प है जो इतना जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल 10 सेकेंड में इतना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो उसका पावर कितना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, पावर यानी कि शक्ति क्या होता है। शक्ति इज इक्वल टू होता है एनर्जी ई ऊर्जा बाय समय। ऊर्जा कंज्यूम्ड यानी कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन। ठीक है, कितने समय में वो जितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है उसी को ही पावर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग पावर इज इक्वल टू लिख सकते हैं एनर्जी कंज्यूम कितना कर रहा है, 1000 जूल। यहाँ लिख लिया हमने 1000 J। कितना टाइम ले रहा है, 10 सेकेंड, तो कितना आया, 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है, या फिर 100 वाट। ठीक है, ये हुआ आंसर। आप इसको जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट भी कहा जाता है, जूल पर सेकेंड को वाट भी कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ। एक महीने में कोई घर में इतना यूनिट का एनर्जी, यानी इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी कहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी कहिए, इतना यूनिट्स का वो लोग कंज्यूम कर लेते हैं एनर्जी को, तो उसकी एनर्जी इज दिस इन जूल में निकालिए। ठीक है, इतना एनर्जी वो लोग कंज्यूम करते हैं, तो हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स, जूल्स में कितना एनर्जी होगा। ये इतना एनर्जी इतना यूनिट दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग जूल्स का एनर्जी जब निकालते हैं, सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड का हम लोग आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं कि एनर्जी ई एन ई आर जी आई एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू कितना है, 250 यूनिट्स है, यही है ना, 250 यूनिट्स। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 250 यूनिट्स को हम लोग लिख सकते हैं 250 किलो वाट आवर, यानी कि किलो वाट आवर्स, यही ना, यूनिट को हम लोग यही लिखते हैं ना। तो इसको हम लोग जब किलो वाट को हम लोग वाट को क्या लिख सकते हैं, जूल्स पर सेकेंड में भी निकाल सकते हैं, जूल्स में भी निकाल सकते हैं। जूल्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 किलो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल्स। ये रिलेशन है, ठीक है, कि जूल्स और इसमें जो रिलेशन होता है ना, आप लोग को याद नहीं होगा तो मैं करके दिखा दूंगी, अभी यहीं पर करके दिखा देती हूँ, और टेंशन मत लीजिए। तो 250 किलो वाट पर आवर में कितना होगा, 3 × 6 × 10⁶ × 250 जूल्स। एनर्जी यूनिट साथ साथ में लिखते जाइएगा, तभी आपको ये होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया करेंगे तो आएगा समथिंग इतना, हाँ इतना जूल्स। ठीक है, ये रिलेशन कैसे हुआ, ये 3.6 × 10⁶ जूल्स कहाँ से आया, याद रहा होगा ना माइंड में, हाँ तो इसका रिलेशन है, वो रिलेशन मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पर 1 किलो वाट कैसे आया, तो 1 किलो वाट जो होता है, 1 किलो वाट मीन्स क्या होता है कि 1 किलो वाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1 किलो वाट पर आवर, मतलब 1 घंटे के लिए 1 किलो वाट जो एनर्जी को कंज्यूम करने को ही 1 किलो वाट कहते हैं। ठीक है, तो ये 1 किलो वाट फॉर 1 आवर ऐसा ही है ना। तो लेकिन 1 किलो वाट मीन्स क्या हुआ, 1 किलो वाट मीन्स क्या हुआ, 1000 वाट्स फॉर 1 आवर, यानी 1000 वाट्स जो हुआ,
थाउजेंड वर्ड्स यहाँ पर, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि एक वाट मीन्स होता है 1 जूल बाई 1 सेकेंड, यही होता है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे थाउजेंड वाट, थाउजेंड वाट और कितने, 1 घंटे के लिए। तो थाउजेंड जूल्स बाई सेकेंड इंटू 60 इंटू 60, अब इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 यानी कि आ गया हमारे पास 360। ये हुआ, ये 3 जीरो और ये 2 जीरो, 3 जीरो ये 2 जीरो, इतना जूल्स यानी कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ये निकला ना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। अब समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये रिलेशन है जूल्स और किलोवाट में, क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन आप लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा, ये आता भी एग्जाम में, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, तो हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 घंटे में। एक इलेक्ट्रिक हीटर है वो कितना 1500 वाट ले जा रहा है एनर्जी, रेट कर रहा है उसका जो है कैपेसिटी 1500 वाट का है वो। उसके बाद वो 10 10 घंटे में कितने एनर्जी को कंज्यूम, कितनी एनर्जी उसमें से यूज की जाएगी। तो यहाँ 10 घंटे में तो उसका पावर हम लोग निकालेंगे, पावर इज इक्वल टू होता है, सॉरी पावर है, पावर दे दिया है यानी कि उसका पावर कितना दिया है 1500 वाट, और इसको हम लोग 1500 वाट दिया है तो, या 1500 वाट दिया है इसको, यहाँ पर आवर में दिया है यानी घंटे में दिया है, और यहाँ पर वाट वाट में दिया है। तो पहले इसको हम लोग किलो वाट बनाएंगे, 1500 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 1.5, 1.5 किलो वाट हो गया, इसको किलो वाट में हमने कन्वर्ट कर लिया। और हमारे पास टाइम दिया हुआ है 10 घंटे का, तो हम लोग क्या जानते हैं पावर इज इक्वल टू होता है ई बाई टी, एनर्जी कंज्यूम बाई टाइम टेकन। यहाँ पर ई हमें क्या निकालना है, हमें ई ही निकालना है, कितना एनर्जी हमें निकालना है। तो ई इज इक्वल टू हुआ, ई इज इक्वल टू हुआ 1.5 ये किलो वाट इंटू 10, आ गया हमारे पास 15 किलो वाट आवर एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ 10 घंटे में, आंसर, ठीक है। तो ये हमने वर्क पावर एनर्जी से कुछ न्यूमेरिकल्स थे उसको हमने यहाँ पर देखा समझा। और भी कुछ आप लोगों के पास न्यूमेरिकल्स होंगे और कुछ दिक्कत होगी तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को रिप्लाई कर सकते। ओके, सो ये चैप्टर हो चुका है, आप हम हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और शेयर भी करिए और भी बच्चों को, ताकि और भी बच्चों को लाभ मिल सके। ओके, तो हमारे इस चैनल को देखते रहिए, शेयर करिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।